હેલો મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ તમે મને છેલ્લો દિવસ અને જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે અને આરાધ્ય ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ એ જોડાયેલા છે તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ થેન્ક યુ હેલો હલો चलिए मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम आर आदि क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद आज दोस्तों हम एक्चुअली में पार्ट इलेवन में हमने पार्ट इलेवन चला था उसमें बात किया था कुछ ऐसा आर इज इक्व टू आर हाँ यहाँ पे आर टी था वन प्लस एल्फ़ा टी माइनस टी ज़ीरो इस फार्मूले का बात किया था हमने हाँ यहाँ पे थीटा भी हो सकता है थीटा ज़ीरो वन प्लस एल्फ़ा थीटा माइनस थीटा ज़ीरो नॉट टू वरी इसको लेके मैं आगे बढ़ूँ तो आर टी इज इक्व टू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी माइनस टी ज़ीरो ये आर जीरो सामने जाएगा तो आर टी माइनस आर जीरो आर जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो अब अल्फा को अल्फा का फॉर्मूला चाहिए ये मस्त मज़े का फॉर्मूला है दोस्तों आपको लाइफ टाइम काम में आने वाला है तो यार जीरो नीचे जाएगा और टी माइनस टी जीरो नीचे जाएगा बोलिए डने हाँ ये तो गल पल्ले बांध ले टी माइनस टी ज़ीरो चाहिए तो आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर ज़ीरो अल्फा इतना इजी है बस अब पूरे आगे काम में आने वाला है सम तो मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है चला जाए स्टार्ट करें के स्टार्ट करें चला जा भैया स्टार्ट करेंगे तो ही बुरा होगा एन इलेक्ट्रिक टोस्टर ये भी आपका एग्जाम्पल थ्री है ये जो पार्ट इलेवन चलाया था ना दोस्तों उसके बेस पर सारे सम्स हैं ठीक है चला आ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेज़ निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट ओके भाई अंदर टोस्टर को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक टोस्टर है उसमें चीज़ को गर्म करने के लिए निक्रोम वायर का यूज किया गया है वैन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासिस थ्रू इट तो उसमें से थोड़ा सा स्मॉल करंट पास करते हैं इट इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर भाई रूम टेम्परेचर पे मतलब टी जीरो है ना हाँ इस फाउंड टू बी 75.3 ओम उसका रेजिस्टेंस कितना मिलता है 75.3 ओम रेजिस्टेंस मिलता है डन है डन है डन है चला भाई ठीक है तेरे जैसा कौन हो शांति से कोई उतावल नहीं है अब मेन बात आने वाली है व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ टू थर्टी वोल्ट सप्लाई बहुत मस्त बातें करने वाले हैं आज हम टू थर्टी वोल्ट के सप्लाई के साथ मतलब वोल्टेज के साथ ज्वाइन किया द करंट सेटल्स

वी वोल्टेज इतना है आई इतना है तो उस टाइम टेम्परेचर कितना होगा ठीक है ये है टेम्परेचर कोअफिशेंट डिग्री सेल्सियस इनवर्स ठीक है अब वो लॉजिकल बातें आपको पता करनी होगी लॉजिकल बातें आपको पता करनी होगी मैं दो मिनट में आपको सॉल्व करके देता हूँ ये जो है ना ये दोस्त ये V और I है ना मुझे कुछ बता रहा है R बता रहा है V अपॉन आई दो सौ तीस दो पॉइंट अड़सठ तो आर कितना आ जाएगा लगभग एटी फाइव पॉइंट एट आएगा देख ले हैं सबसे चेक कर लेना कि गलती ना हो ये आर है T फाइंड करना है ओहो सर बोलो क्या करेंगे टी ज़ीरो आर ज़ीरो टी आर टिंग टिंग टिंग, टिंग टिंग टिंग। ये बराबर है सर हमारे लिए तो ये बराबर है आर टी माइनस आर जीरो आर जीरो इंटू आर ज़ीरो इंटू टी ज़ीरो कितना सत्ताईस ठीक है आर टी टी टेम्परेचर पर हाँ टी टेम्परेचर पर रजिस्टेंस आर जीरो सेवेंटी पॉइंट सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री आर जीरो सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री अल्फ़ा वन पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज टू माइनस फोर ठीक है टी माइनस ट्वेंटी सेवन इन सब को सॉल्व बिल्ले ले आगे और कर दे टेन पॉइंट फाइव सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री वन पॉइंट सेवन टेन रेज टू माइनस फोर माइनस ट्वेंटी सेवन इन सब को झोल झाल करूँ ना इन सब का झोल झोलझाल करूँ तो लगभग भाई आंसर की जिम्मेवारी आपकी हो दोस्तों आंसर की जिम्मेवारी आपकी है दो सौ बीस आ रहा है ये सत्ताईस सामने जाएगा तो अरे आठ सौ बीस आ रहा है सत्ताईस सामने जाएगा तो आठ सौ एट हंड्रेड फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है अभी क्या होता है दोस्तों बस आंसर आ गया है जल्द से कर बोल कितना ईजी है काम कितना ईजी है ईजी ईजी सम तो बुक में देखना एक बार पागल हो जाएगा हैरान हो जाएगा ठीक है अभी ट्राई माई बेस्ट कि आपको ईजी में ईजी चीज़ें सब पढ़नी आ जाए पढ़ना है भाई पढ़ना अच्छी तरह से नॉलेज लेना है अंदर से फिर आपको समी लगेंगे मान लो ये जो सेल्सियस में पूछा है मुझे मान लो फेरानाइट में पूछे तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फेरानाइट तो याद है आपको एलेवंथ में फार्मूला था, था थर्मो में हाँ तो बस नाइन बाई फाइव इंटू एट फोर सेवन प्लस थर्टी टू जुम 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 जो आंसर आना हुआ है डन ऐसे फाइंड कर सकते हो और पूछ भी सकते हो फैरानीट में ठीक है ठीक है ठीक है बोल कोई तकलीफ चलो पे चेंज करता हूँ और दो मिनट में नया सम लेते हैं चलो बच्चा लोग चलो चलो, चलो, चलो पेज चेंज हो चुका है भैया एग्जाम्पल का इलस्ट्रेशन का आपका चौथा सम है ठीक है एग्जाम्पल का चलिए पढ़ते हैं वापस एक बार रिमाइंड करवा दूँ ये रिमाइंड करवाना सर बहुत ज़रूरी है लाइफ में टिंग 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 टी माइनस टी जीरो हो तो आर टी माइनस आर जीरो आर जीरो इंटू एल्फ है बोलो आइए रिमाइंड करवाना बहुत ही जरूरी होंगे क्योंकि हम्म चलिए चलिए ओके दोस्तों तो एक बात मैं आपको कंफर्म बोल दूँ जो टी जीरो है ना हाँ रेफरेंस टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर वो मैक्सिमम केसेस में जीरो डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक दिया होता है वो आपका रेफरेंस टेम्परेचर मानना है आपको ठीक है कितने तक जीरो डिग्री सेल्सियस से ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक होता है वो रेफरेंस टेम्परेचर है ठीक है और पढ़ना दोस्तों थोड़ा टफ है लेकिन आपको मजा आने वाला है द रजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट आइस पॉइंट पे चलो भाई आइस पॉइंट पे फाइव है। आइस पॉइंट पे पहले तो बोलो टेम्परेचर कितना होता है जीरो डिग्री सेल्सियस उस टाइम रेजिस्टेंस कितना है फाइव ओ हम देखो आइस टाइम आइस पे जीरो डिग्री सेल्सियस और जीरो डिग्री को मैं क्या रहा हूँ रेफरेंस टी ज़ीरो आर जीरो बोल क्लियर है बात क्लियर है आइस पे ठीक है पढ़ना शांति से बहुत मज़ा आने वाला है है ना दो दो तीन तीन बातें अलग अलग बातें बोली इसने चलो थर्मोमीटर का आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है फाइव ओ हम फाइव ओ हम आइस पॉइंट पे ठीक है एंड स्टीम पॉइंट पे फाइव पॉइंट थ्री नाइन है भैया स्टीम पॉइंट पे स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर तो कितना होता है हाँ सौ सेल्सियस होता है सौ डिग्री सेल्सियस होता है उस पर रेजिस्टेंस कितना है फाइव पॉइंट थ्री नाइन ओ हम थ्री नाइन ओ हम देख लीजिए आपके हिसाब से ये मुझे कुछ वैल्यू रॉन्ग ले रही है ये वैल्यू है तो उस हिसाब से मैं आंसर लाऊंगा ठीक है ओके अदरवाइज़ क्या होता है बुक में उसका वैल्यू लगभग देख लेना आपके हिसाब से मैं फाइव पॉइंट टू थ्री कर रहा हूँ इसका वैल्यू थ्री नाइन हो तो आपके हिसाब से सम कर लेना फाइव पॉइंट टू थ्री ठीक है हाँ फाइव पॉइंट थ्री नाइन क्या फ़र्क पड़ता है बुक्स में मेरे हिसाब से फाइव पॉइंट टू थ्री दिया होता है चलिए ठीक है आगे बढ़े ओके okay. स्टीम पे क्या हो गया हाँ चलो भाई स्टीम पे क्या हो गया टी टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस कितना बोल रहा हूँ मैं फाइव पॉइंट थ्री टू ओके वैन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हीट बाथ हॉट बाथ या हीट बाथ जो बोले वो हीट बाथ मैं इंसर्ट करता हूँ थर्मोमीटर को भाई पहले क्या हुआ वायर है ना अंदर किसका है प्लेटिनम का वायर है थर्मोमीटर के अंदर एरा थर्मोमीटर थर्मोमीटर के आइस पे रखूंगा ना आइस के टेम्परेचर पे रखूंगा ना तो उसका रेजिस्टेंस फाइव ओम है तो उसको ला के स्टीम में रख दूंगा ना तो सौ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया वायर का उस टाइम उसका रजिस्टेंस हो गया फाइव देखो फाइव से फाइव हो गया अब और गर्म कुछ हीट बाथ में रख रहा हूँ कुछ हीट बाथ में और ज़्यादा टेम्परेचर तो उस टेम्परेचर पे पता नहीं कौन सा है रेजिस्टेंस कितना है फाइव पॉइंट सेवन नाइन फाइव ओन ठीक है तो हाँ लिखा है ना वेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हीट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज़ दिस कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ इसका टेम्परेचर फाइंड करना है तो ये दोस्तों कलाकारी वाली बातें होती हैं अब आप बोलिए क्या करेंगे सर टी ज़ीरो आर जीरो बराबर आर और टी बराबर ये दूसरा कहाँ से लाया आप तो वही तो सब रे ऐसे ही थोड़ी मामा का घर थोड़ी है हाँ तो मैं करवाऊँ सोल्व चलिए आ जाइए सोलूसन सालूसन बोलते हैं भैया है इसको सॉल्यूशन पहले मैं क्या कर रहा हूँ पहले आइस और स्टीम की बातें कर देते हैं आइस और स्टीम का जो केस है उसकी बातें मैं कर रहा हूँ उनमें फार्मूला अप्लाई करो चलो अच्छा ये आइस में रखूँ स्टीम में रखूँ हीट बाथ में रखूँ ये जो वायर है प्लेटिनम उसका अल्फा तो सेम है ना सब के लिए हाँ अल्फा तो सेम है सब केसेस में ठीक है हाँ वायर का होता है ना टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी वायर की होती है चलिए ठीक है आइस और स्टीम वाले केस में मैं फ्रॉम आर टी इज इक्व टू आर ज़ीरो वन प्लस अल्फा टी माइनस टी ज़ीरो अल्फा क्या आएगा आर टी माइनस आर ज़ीरो आर जीरो टी माइनस टी ज़ीरो है ना अब देखिए यहाँ पे हो गया ये डन है Done. इस केस में इस केस में आइस और हॉट बाथ या हीट बाथ इन इन दोनों केस में क्या आएगा बोलिए तो, तो इन दोनों केस में फ्रॉम आर टी माइनस आर जीरो वन आर टी जीगोस टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो अल्फा क्या आएगा इसमें भी आर टी माइनस आर जीरो आर जीरो टी माइनस टी जीरो अब लोचा ये हो रहा है दोस्तों टेम्परेचर के दो दो केसेस हैं टेम्परेचर के दो दो केसेस हैं इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो एक काम करेंगे हमारी सहूलियत के लिए इसको वन वन बोल देंगे इसको टू टू बोल देंगे तो लोचाना हो देखिए वन वन टू टू ठीक है लोचाना हो इसलिए अब बोलो दोस्तों इसको इक्वेशन वन बोल दो इसको इक्वेशन बोल टू बोल दो इक्वेशन भन इक्वेशन भन इक्वेशन वन और टू को आप कंपेयर कर सकते हो यस बाय कंपेयरिंग या तो कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू ठीक ठीक है जा रहे हैं ना एकदम इजी जा रहे हैं ओके चला आ जाओ तो, तो कुछ भी आर वन माइनस आर ज़ीरो आर ज़ीरो टी वन माइनस टी ज़ीरो आर टू माइनस आर ज़ीरो आर ज़ीरो टी टू माइनस टी आर जीरो आर जीरो कौन टी टू को ऊपर भेज दे वही तो फाइंड करना है टी टू माइनस टी जीरो नीचे है टी वन माइनस टी जीरो ऊपर है आर टू माइनस आर जीरो और इसको नीचे ला दे आर वन माइनस आर ज़ीरो बोल डन है डन है डन है ओके सर टी टू पता नहीं है टी ज़ीरो तो ज़ीरो है टी वन सौ माइनस टी ज़ीरो मतलब माइनस जीरो कुछ नहीं सौ आर टू फाइव पॉइंट सेवन नाइन फाइव आर जीरो फाइव आर वन 5.23 पॉइंट माइनस फाइव वैल्यू कुछ भी हो 5.23 लिया है मैंने थोड़ा करेक्शन किया है यहाँ पर ठीक है ना फाइव दिया है तो उस हिसाब से करना आपका आंसर आएगा हाँ वही वे वैल्यू वे तो एग्जाम में भी चेंज कर सकते हो टी टू इज इक्वल टू ये आता है पॉइंट सेवन नाइन फाइव नीचे आता है पॉइंट टू थ्री ये हंड्रेड ऊपर जाएगा तो एक्जैट आंसर क्या आएगा आपका तीन सौ पिस्तालीस पॉइंट सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस इतना आपका आंसुर आपका आंसू आ रहा है कितना इजी हो रहा है सम कितना इजी हो रहा है दोस्तों ठीक है ठीक है ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दो मिनट में पेज चेंज करके नया सम लेता हूँ चलो बच्चा लोगों पेज चेंज भाई पे दोस्तों आपका ये एक्सरसाइज का सॉरी एग्जाम्पल नहीं है रे एक्सरसाइज का पाँचवा सम एक्सरसाइज का एक्सट्रीमली सॉरी एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर थ्री में भैया बारहवीं वाले बच्चों आपकी बात कर रहा हूँ फिजिक्स में जो चैप्टर थ्री है हाँ पार्ट ट्वेल्व है चकाचक लेवल का एक्सरसाइज का पाँचवा सम आ गया मैं ठीक है अब देख पढ़ बहुत ईजी है बहुत ईजी है इट रूम टेम्परेचर ओह हो सर आप तो मतलब सीधा टी जीरो की बात कर अच्छा उसको थीटा जीरो भी लिख सकते हो कोई टेंशन नहीं यहाँ तो रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज हंड्रेड हंडरेट ओ हम हंडरेत ठीक है ओके नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ वॉट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ़ द रजिस्टेंस इज फाउंड टू बी वन वन सेवन ओह अ टेम्परेचर को अफिशियंट ऑफ दैट मटेरियल इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इन वर्स बोलिए कहीं पर कोई तफलीक सर नो तफलीक तो फिर ये टी ज़ीरो टी दिया ये आर दिया ये आर ज़ीरो दिया बोले कहाँ तफलीक है हाँ भाई तो टी को कभी कभी थीठा भी बोल सकता है हो ना टेंशन नहीं लेना अब बोलो फॉर्मूला आप बोलो टी फाइंड करना है डायरेक्ट लगाऊं टी माइनस टी जीरो आर, टी आर, जीरो, आर जीरो, टी टी जीरो मतलब सत्ताईस चलिए आर टी मतलब एक सौ सत्रह आर जीरो मतलब हंड्रेड यहाँ पे टी लिख सकते हो आप आर जीरो हंड्रेड अल्फा वन पॉइंट सेवन इंटून तो टू तो तो माइनस फोर ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है चला जाए टी माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इसका आंसर अप्रोक्स एप्रोक्स अप्रोक्स बोल रहा हूँ लगभग हज़ार आने वाला है देख लेना मैं पहले बोलूँ जिम्मेवारी मेरी नहीं है आंसर के एंसर लाने का जिम्मेवारी आपका है बोलो एक हज़ार सत्ताईस अब इसको मान लो कि इसको मान लो फेरन में पूछते हैं तो नाइन बाई फाइव टी सी प्लस बत्तीस आपके हिसाब से आप जवाब ला देना बोलिए डन है।, है कोई वधा नो वधा चल पे चेंज करके नया सम लेता हूँ चलो पेज चेंज अरे हाँ ये सब गलती से लिखा गया है मेरे से एक्सरसाइज का ही सातवा दोस्तों एक्सरसाइज का सातवा समय सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट वन ओ हम इट सेवेंटी ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस चलिए भैया सिल्वर वायर है उसका ये टेम्परेचर है उस पर रजिस्टेंस कितना है टू पॉइंट सेवन ठीक है नाउ वेन टेम्परेचर इज डिटरमाइंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस रुक जा रुक जा रहे सत्ताइस पॉइंट पाँच पे टू पॉइंट वन ओह है भैया सिल्वर वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट वन ओह एक तो ये या ऊपर यार मोबाइल होता है और नीचे पेज होता है ना तो देखने में दिक्कत हो जाती है अ सिल्वर वायर हैज़ अ रजिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट वन ओ हम एट ट्वेंटी सेवन डिग्री ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी टू पॉइंट सेवन ओह एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोअिशियट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर बोलो भाई बोलो सर जोरदार शो बोलो पति गय टी जीरो से आर जीरो से टी है ना चल आ बोल क्या करेगा अल्फा फाइंड करना एकदम इजी है अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला हट दे हाँ कोई ना बोलो तो मेरा नाम दे दे चल आ जा फटाफट चलो टू पॉइंट सेवन माइनस टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू पॉइंट वन तो अल्फ़ा आपका अप्रोक्सीमेट आएगा कैलकुलेशन कर लेना लगभग मेरे हिसाब से इतना आएगा आपका अल्फा कितना इजी सम है यार है ना कितने इजी सम्स लाए हैं ठीक है ठीक है कंफर्म कंफर्म कोई इशू है इतने नॉर्मल नॉर्मल सम्स है दोस्तों यार आप मतलब बच्चे एग्ज़ाम में छोड़ के आए ऐसे क्वेश्चंस तो चलेगा यार क्या घुमा के पूछा है कुछ नहीं पूछा दोस्तों ठीक है और ये समय तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है वैल्यू भी सेम ही देते हैं वैल्यू थोड़ा चेंज करे तो करे ठीक है ना तो मजे कर पेज चेंज करता हूँ नया समझ चलिए बच्चा लोगों लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन फिर ये एक्सरसाइज का ही है आठवां क्वेश्चन है आठवां ठीक है चलो आज आप देखना एक्सरसाइज बुक है आपका टेक्स्ट बुक इसमें ठीक है हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू टू थर्टी वोल्ट सप्लाई टू थर्टी वोल्ट के सप्लाई के साथ उसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है कोई बात नहीं अच्छी बात है सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ थ्री पॉइंट टू एमपियर इनिशियल करंट मतलब दोस्तों रूम टेम्परेचर पे इनिशियल करंट रूम टेम्परेचर पे ठीक है इनिशियली विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ टू पॉइंट एट एम्पियर थोड़े टाइम के बाद उसके आई का वैल्यू टू पॉइंट एट एम्पियर फिर वो स्टडी हो जाता है वॉट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट ठीक है इफ रूम टेम्परेचर इज ट्वेंटी सेवन ये वॉट विल बी द स्टडी टेम्परेचर स्टडी टेम्परेचर क्या होगा फिर से दो सौ तीस वोल्ट के साथ सप्लाई के साथ ज्वाइन किया इट ड्रॉज एन इनिशियल करेंट ऑफ थ्री पॉइंट टू एमपीयर और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स स्टडी वैल्यू एक स्टडी वैल्यू मिल जाता है टू पॉइंट एट एम्पीयर का व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर उस स्टेडी वैल्यू के लिए स्टेडी टेम्परेचर क्या होगा इफ द रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग बोला है ना स्टार्टिंग में इतना है एम्पियर ठीक है डन है डन है नहीं समझ में आया भाई दो वोल्ट है हाँ उसको स्टार्टिंग में बोला है इतना करंट ड्रॉ कर रहा है है ना सप्लाई इतना करंट इनिशियली दे रहा है तो उस टाइम रूम टेम्परेचर है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस अब थोड़े टाइम के बाद उसका करंट एक स्टेडी हो गया टू पॉइंट एट एम पे तो वो स्टेडी टेम्परेचर क्या होगा ठीक है ठीक है ठीक है क्लियर है और अल्फा दिया है एवरेजली ये माइनस देश देस देश बोलो कोई कन्फ्यूजन वा ना ही बा ठीक है कितना इजी काम करने वाला हो देखो आपका कितना इजी काम करने वाला हो देख लीजिए ये वी है और ये आई है तो ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस पे आर फाइंड करना हो तो वी बाई आई नहीं हो सकता है हो सकता है सर बिल्कुल वी है दो सौ तीस और आई है तीन पॉइंट दो नहीं समझ रहा है ना क्वेश्चन पढ़ो चलो फिर से दो सौ तीस वोल्ट पे करंट पहले इतना पहले मतलब कि रूम टेम्परेचर थोड़ी देर बाद इतना स्टेडी हो जाता है इतना उस टाइम तेम, स्टेडी टेम्परेचर कितना होगा वो फाइंड करना है अल्फा दे रखा है ठीक है ठीक है ओके okay. ये आर जीरो बोल दूँ इसको आर जीरो हाँ ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस पे ना तो आर जीरो इज इक्ल्स टू लगभग सेवेंटी वन पॉइंट एट सेवन फाइव ओ हम देख लेना आपके हिसाब से कुछ आंसर में गलती ना हो मैं फॉर्मेट बता सकता हूँ आंसर आपको आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना है अब इसके लिए आर फाइंड करना हो तो सर अगेन वी अपन आई इसमें वी कितना है सर वही दो सौ तीस वोल्ट के साथ ज्वाइन किया हुआ है आई कितना है टू पॉइंट एट तो आर कितना मिल रहा है एटी टू पॉइंट वन थ्री फोर ओ हम कितना इजी बा ठीक बा इतना इजी बा ओके चलिए अब फाइंड क्या करना है टी फाइंड करना है तो हमारा तो सर जन्मजात अधिकार है टी फाइंड करने में तो ये फार्मूला हल्के से ने मतलब रटवाई दिया है हमको टी माइनस टी ज़ीरो तो से ट्वेंटी सेवन है आर टी बोलिए भाई यार एट्टी टू पॉइंट वन थ्री फाइव माइनस आर ज़ीरो आर ज़ीरो सेवेंटी वन पॉइंट एट सेवन फाइव टू आल्फा वन पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज टू माइनस फोर बोलो कोई इश्यू है दोस्तों नहीं है नहीं है नहीं है चलिए लगभग इसका पूरा आप कैलकुलेशन मारोगे ना दोस्तों कैलकुलेशन पूरा तो टी माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू एट फोर्टी पॉइंट ट्वेंटी सिक्स आएगा ट्वेंटी सेवन को सामने ले जाओ तो एट सिक्सटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस आएगा उसको कभी कभी आप एट सिक्सटी सेवन डिग्री सेल्सियस से से अप्रोक्स लिख सकते हो कोई इशू नहीं है मतलब आपको कुछ बोलेगा नहीं है ना ठीक है बोल कैसन बा समझ रहा है पूरा कि नहीं समझ रहा है तू ये दिल से है सम समझ भाई टी एफ हो तो ये तो मैंने हर बार बोला है आपको कैलविन में हो तो भी आपको आना ही चाहिए ठीक है ये फॉर्मूला लगा देना बोल कहाँ तकलीफ है इतने हार्ड वाले सम को मैं ट्राई करता हूँ कि आपको इजी में इजी करके दूँ जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो है ना तो चलो बोल कौन सा हिल स्टेशन एग्जाम्पल का तीसरा चौथा हुआ हाँ और एक्सरसाइज का कौन सा हुआ पाँचवा सातवां आठवां है ना शायद हाँ देख लेना ठीक है चल इतना दमदार सम है दोस्त वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 प्लीज, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो वीडियो कैसा लगा कैसा लगा ठीक है अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट बॉक्स में अच्छा सा लिखना रे चल एक्सरसाइज का ये आठवा चल बाय बाय टेक केयर थैंक यू वेरी मच